लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्जुन भानु प्रिया बेबी खोपरी कॉलोनी गली नंबर 4 और खुली नंबर 17 में आया हूँ। कहाँ? बेबी टीटू को 10 लग गए हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके आया हूँ। तुम वेट करो, मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता हूँ। लोकल कुत्तों को इंपोर्टेड बना के बेचता है। हमारे बीच बचा ही क्या है अब? ना तुम्हें मेरी शक्ल पसंद है, ना मुझे तुम्हारी। अपनी देख लो, मुझे तो कली मून बोल रही थी। विराट कोहली लग रहे हो। विनोद कामली कहा होगा, मुंह देखा है अपना? हो ही नहीं सकता, मैं लेफ्ट हैंडर हूं ही नहीं। इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? तुमसे ज्यादा है। अच्छा, तो एक्सेप्ट द चैलेंज, 1.7 मिनट्स करके दिखाओ तो मानू। तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेरी LIC पॉलिसी मिले तो मैं चलती बनू यहाँ से। भागना तो नेचर है तुम्हारा, अपनी जिम्मेदारी भी तो छोड़कर भाग गई हो। भानु इज ग्रोन अप, शी कैन हैंडल हरसेल्फ, और अपनी जिम्मेदारी का एहसास अच्छी तरह से मुझे है, इसलिए मिलने भी आती हूँ उससे। मैं भागी तो मैं तुमसे और तुम्हारे दिमाग से हूँ। अपनी जिंदगी जीने का हक है मुझे कि नहीं? यार अब चुप रहने से तो कुछ होगा नहीं। अबे मुझे बता दे, आई कैन हेल्प यू। मैं लड़कों की नस नस से वाकिफ हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन से लोगों में खून दौड़ता है और कौन से लोगों में वो। जाने दे यार, तू रिलीजन की वजह से बैकस्टेप तो नहीं कर रही है ना? रुकुल, अगर मैं ये सब मानती तो क्या मैं उसको बॉयफ्रेंड बनाती क्या? अबे पता है, आगे बोल। मुझे लगा वो पीटा का एक्टिव मेंबर होगा। वो अपने कुत्तों की ऐसी देखभाल करता था जैसे मेरे पापा बैंक में बार बार जाकर वो फिक्स डिपॉजिट चेक करते हैं। मुझे क्या पता था कि वो खुद ही कुत्ता निकलेगा। अबे तू अपने बाप को छोड़ अपनी प्रॉब्लम बताना। ही इज इन जेल, पुलिस पकड़ कर ले गई उसको। वो लोकल कुत्तों को युगांडा और कंबोडिया की ब्रीड बताकर कस्टमर्स को बेचता था। पुलिस कंप्लेंट हुई और चीटिंग के केस में अंदर हो गया। ओह शिट, तो कुछ हुआ कि नहीं तुम दोनों के बीच में? आई गिव अ डैम शिट अबाउट दिस स्टुपिडिटी ऑफ योर्स। दो फोटो में 10 गलतियां ढूंढो। कभी अपने अंदर भी तुमने 10 गलतियां ढूंढी है? ही नहीं, 10 है ही नहीं, एक ही है बस। वो भी लास्ट टाइम गलती से कॉन्स्टिपेशन हो गया था। वो किसको नहीं होती भाई, शर्मा जी के कुत्ते ने भी तो गलत खा लिया था, उसको भी हो गई थी। किसी को भी हो सकती है। सही कंपैरिजन पकड़ा तुमने। हाँ, एंड लेट मी टेल यू, तुम्हारे दिमाग में ही कब्ज है। तुम्हें इतना भी नहीं पता, दिमाग पर कब्ज नहीं कब्जा होता है। किसी शायर ने खूब लिखा है, यादों ने तेरी मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया,
अब मेरे ख्यालों की सल्तनत तुम्हारी है। वाह पूरी खत्म नहीं हुई अभी। अब जो भी मैं सोचता हूँ पराया सा लगता है। अरे जाने दो। फिर भाग गए। Is I am an idiot man? अरे मॉम आप जा रहे हो इतनी जल्दी? I'm so sorry, मुझे आने में लेट हो गई। भानु, I can't tolerate this stupid man and his constipated chari anymore. I'm sorry. अब मैं तब आऊंगी इस घर में जब ये आदमी घर पे नहीं होगा। मॉम आपको डैड ने कुछ बोला? वो आज तक मून आंटी को कुछ नहीं बोल पाया, मुझे खाक बोलेगा। पर मॉम वो तो कैरेक्टरलेस है ना। यू सेड इट। लेकिन मैं तुझे सैटरडे को फोन करूंगी, फिर आऊंगी। हाँ चल बाय। ओके मॉम बाय। डैड डैड अपने मॉम से क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने जो कॉलेज डेज में शायरी लिखी थी वो सुनाई थी बस। डैड शी वाज एंग्री। हाँ हो सकता है उसे लगा हो कि चोरी की है। भाई सबको यही लगता है ना कि सारी शायरी तो गुलजार साहब ही लिखते हैं। मेरे टैलेंट पे तो भरोसा किया ही नहीं ना उसने कभी बेटा। एक्सक्यूज मी डैड। हाँ रुकुल। हाँ क्या बोल रही है? अबे गेस व्हाट, क्या हुआ? क्या हुआ? अविनाश याद है तुझे? अरे वही जिसे मैं स्कूल में लाइन मारती थी। ऑफ कोर्स याद है यार, उसे तूने आई लव यू बोला था और वो तेरे मुंह पे थूक के भाग गया था। यार तुझे सिर्फ सड़े हुए इंसिडेंट्स ही याद क्यों रहते हैं? अच्छा आगे बोल क्या हुआ? बोला तो उसने बेटा शाम को कॉफी शॉप में बुलाया मिलने के लिए। अच्छा दैट्स नाइस दैट्स नाइस। अब इतना सैड रिप्लाई क्यों दे रही है? क्या हो गया तुझे? यार मुझे सच में यकीन नहीं होता ये इरफान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अबे हट, चोर के साथ डेट और ब्रेकअप ना सिर्फ धूम सीरीज में अच्छा लगता है। भूल जाना तुझे कौन सा डेट करते हुए 2 महीने हुए थे। यार इतना इजी नहीं होता है, मैं इतनी आसानी से ये सब चीजें नहीं भूल सकती। भानु यार सुन, डैड बुला रहे हैं, मुझे बाद में बात करती हूँ ठीक है? अच्छा सुन, शाम को मिलना, गॉसिप सुनाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं साले को। अच्छा चल ठीक है। हाय डैड। हाँ डैड। बेटा मैं मार्केट जा रहा हूँ। हाँ। कुछ मंगाना है तो बोल दे बेटा। डैड कॉलेज के बाद मैं भी मार्केट जाऊंगी, जो चाहिए होगा ले आऊंगी। तू मार्केट क्यों जाएगी, मैं जा तो रहा हूँ। पर्सनल है डैड। पर्सनल है? हाँ डैड। बाप से क्या पर्सनल है बेटा, तू सिगरेट पीने लग गई। डैड मुझे सैनिटरी पैड्स लेकर के आने। पैड्स? हाँ डैड। ओके ओके, वही जो टीवी में दिखाते हैं अल्ट्रा विंग्स, वही वाले? हाँ डैड। पर बेटा तू इतनी दुबली पतली सी है, तू अल्ट्रा विंग्स का क्या करेगी? अभी से लाइफ में सेविंग्स करना सीखेगी तभी तो आगे जीवन चला पाएगी, फिर कल को तेरी शादी भी तो होनी है। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब अल्ट्रा विंग्स का मेरी शादी से क्या कनेक्शन है? आई विल टेल यू। तेरी दादी थी ना, उसे भी सब ऐसे ही बोलते थे, अल्ट्रा प्रेशर कुकर लो, बड़ा प्रेशर कुकर लो जी। आप पता कितना प्रेशर था अम्मा पर मेरी अम्मा इतनी स्मार्ट थी, लाइफ में हमेशा छोटे प्रेशर कुकर से ही काम चलाया। आई विश की मॉम यहाँ पे होती। तेरी माँ के तो पहले ही अल्ट्रा विंग्स निकल आए हैं, वो कहाँ अब आएगी, उसे शायरी तो समझ में आती नहीं, सेविंग्स की तो बात ही छोड़ दो। भानु मैं शाम को शर्मा अंकल के यहाँ जाऊंगा, शाम की चाय वहीं पर है बेटा, तू एक काम करना सीधे वहीं आ जाना। भानु प्लीज प्लीज बी फोकस्ड। हेलो सुन, राजीव याद है तुझे, अविनाश का फ्रेंड? याद नहीं आ रहा यार। अरे वही जो अपनी फितरत पे कंट्रोल नहीं कर पाया और पैंट में ही टट्टी कर दी थी। What? वही जिसके आगे के दांतों में गैप है और जो बहुत ही भद्दी तरीके से हंसता है। Exactly. साली लड़कों के मामले में क्या याददाश्त है तेरी? मानो अविनाश टोल्ड मी ही लाइक्स यू। Really? Yeah. यार यू आर चेंजिंग द टॉपिक इन बिटवीन, आई डोंट माइंड, बट ये बात तो वो डायरेक्टली मुझे ही बोल सकता था, उसने तुझे क्यों बुलाया मिलने? Duffer, he told me Rajiv likes you. How dare you? रुको, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? ये बंदर जैसी शक्ल वाला राजीव मेरे सामने बैठा है, तूने ही उसे एड्रेस दिया है ना यहाँ का?
यार इंसान ही तो है, प्यार हो गया तो हो गया, और तू ही तो कहती थी कि तुझे लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना। क्या खाक ट्राई करूं? हाँ मेरे दिन इतने भी खराब नहीं आए। अरे यार तुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरी जान, यही वाले आगे जाके शाहरुख खान बनते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हिचके लगाना बंद कर और ये बता हुआ क्या? हर बात दिल पे लेती है। अच्छा तू राजीव से बात कर ले, मैं एक बार फोन करती हूँ। हाँ हनुमान जी, आपने एक बार पत्थर पे त्रिराम लिखवाया था तो उनको टीता मैया मिल गई थी। हमने डायरी लिखी है, बोली हमें भी भानु जी मिल जाएंगी ना, कहिए हाँ। चलिए क्रेडिट आपका, आप बोलिए। हाँ हाँ, जय श्री राम भानु। ऐसे प्यार करने वाले नसीब वालों को मिलते हैं। तेरे नो के चक्कर में अविनाश मेरे हाथ से निकल जाएगा यार। रुको, यू आर सेलिंग मी। अब तू शाहरुख की इतनी बड़ी फैन है, वही तो कहता है यू शुड सेल एवरीथिंग। सेल एवरीथिंग? व्हाट आर यू डूइंग यार? अरे यार कुछ नहीं हो जाएगा, एक बार बात कर लेते हैं। आई डोंट वांट टू। नंबर लग गया, नंबर लग गया, नंबर लग गया। हां राजीव, भानु से ऑन द लाइन बात कर ले। हां जी, हां जी, चल बात कर ले। हेलो, हाय। चलिए हाय, गेट करिए। आपके लिए हम डायरी लिखे हैं। ओके, लाइक अभी तो टुनाई नहीं, लाइक पहले ही मार दिए हैं। सॉरी। टोरी की कोई बात नहीं है ना, अच्छा लगे तो भी वावा कीजिएगा। क्या बोल रहा है यार, क्या बकवास कर रहा है यार ये? क्रिएटिव बंदा है, बात तो कर ले, क्या पता क्या अच्छा लग जाए। संभाल के यार, इसमें मेरे सारे लड़के बंद है। हेलो बेटा। हेलो आंटी। माय डॉटर। जी जी, मैं आंटी से मिलती हूं। प्लीज बैठो बेटा। रमा जी, मेरी बेटी के लिए भी कुछ बताइए ना प्लीज। हाँ जरूर, आप कार्ड्स निकालिए। जी एक मिनट, तीन कार्ड्स। थ्री कार्ड्स? हाँ जी, हाँ जी। सेकंड एंड थर्ड। कुछ अटक गया है क्या, बलगम वगैरह? अब वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इसलिए सोच रही हूं। देखिए आप सोच बाद में लेना, पहले आप बता तो दो जी। ओके, लड़की को बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम है। यू मीन टू से सम काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, नो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है? जी। हीरो है, हीरोइन है, गाने भी है, सॉन्ग्स, बेडरूम है, लेकिन बेडरूम की लाइट्स बंद ही नहीं होती। आप भी बाय गॉड मैडम कमाल करते, आज तक अंधेरे में कोई गाना देखा है आपने? बोलो ना, अंधेरे में मैडम दिखेगा ही क्या? अरे आप समझ नहीं। बस यही कहना चाहती है ना कि आई कांट हैव। रमा जी, प्लीज डोंट माइंड इट, बच्चे आजकल मॉडर्न हो गए हैं। इट्स ओके। हीरो है, हीरोइन है, गाने भी है, सॉन्ग्स, बेडरूम है, लेकिन बेडरूम की लाइट्स बंद ही नहीं होती। भानु, भानु, या डैड। बेटा मैं तेरे ये अल्ट्रा विंग्स ले आया। डैड, पता नहीं ये ब्लैक प्लास्टिक बैग में क्यों डाल के दिया, इसमें कोई बॉम्ब थोड़ी ना है। डैड, ताकि किसी को डेट का ना पता चल सके। मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी एक्सपायरी डेट को ये आसानी से पढ़ सकता है, और फिर इसमें छुपाने वाली बात भी क्या है? I'm sorry, Dad.
I'm really sorry. अरे अरे मेरा बच्चा, it's okay बेटा. अरे तू भी ना. अरे वो तो हम ऐसे ही prediction try कर रहे थे. किसी ने भी तेरी बात को बिल्कुल mind नहीं किया. सबको पता है आजकल की generation modern हो गई है भाई. You're my best friend, Dad. Emotional कर देगी क्या? I'm sorry. But sorry यार. तू जा. और ये ultra wings पहन. जितना उड़ना है ना उड़. I will not mind it. तू अपना फोन ले अपना. एंड मैं ये वेजिटेबल फ्रिज में सेट करता हूँ और आज खिलाता हूँ मैं तुझे मिक्स वेजिटेबल. देखना. हाँ रुकुल. यार तू चाहती क्या है? हाँ खुद की दुकान चल नहीं रही है तो दूसरे की उजारेगी क्या? क्या हुआ? देख तेरे चक्कर में अविनाश मुझसे नाराज हो गया. अबे सोच ले यार, राजीव जैसा लविंग और केयरिंग बॉयफ्रेंड ना ढूंढने से भी नहीं मिलता है और ऊपर से क्रिएटिव भी है. तू मर जा अकेली. हेलो, हम डिटाइड किए हैं. अब हम आपको अपनी लिखी हुई डायरी नहीं तुनाएंगे, कुछ हेटी तुनाएंगे. ओके, वैसे भी आई डोंट लाइक शायरीज. ठीक है, तो फिर क्या आपको गाना तुनाए? ओके. एक मिनट. हाँ कराने की वजह तुम हो. एक मिनट. प्लीज रिपीट व्हाट डिड यू से. दोबारा. कराने की वजह तुम हो. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ. हाँ मुझसे किसी बात का बदला ले रही है क्या? क्या हो गया? आई स्पोक टू राजीव ऑन फोन एंड ही सिंगिंग एंड सेइंग यू आर माय यूरिनरी इन्फेक्शन. व्हाट? मेरा मजाक बनाने के लिए नंबर दिया था क्या उसको? यार रुकुल प्लीज, ये प्रैंक करना बंद कर दे मेरे साथ. अच्छा तो मुझे एक मिनट दे, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ. एक मिनट में. 120 मैम. दया भक्तों पे कर दो हनुमान जी. अबे ओ यूपी के साला, क्या बोला मेरे दोस्त को? हाँ नहीं, हम तो सिर्फ गाना सुनाए थे. का गाना? भूतनी के? नहीं, हम तो हिट रोमांटिक ट्रैक सुनाए थे. आप ही बताइए क्या गलत है इसमें. कराने की वजह. एक मिनट. अबे चुप. तानसेन की औलाद. बोल हम सफर. हम तफर. बोल मुस्कुराते हैं वो. कराते हैं वो. देख तेरे ऊपर है, मैंने तुझे उसका प्रॉब्लम बता दिया है. तोतला है बेचारा. वैसे भी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मियां अविनाश आर नॉट टुगेदर. व्हाट? ऐसे कैसे रुकू? सडनली ब्रेकअप? यार आजकल ना लड़कों की एक्सपेरिमेंट करने की जिद आसमान छू रही है. अरे मैं घोड़ी हूँ क्या? हाँ तुझे कोई हंटर मारेगा तो तू क्या करेगी? वाह, वापस घुमा के मारूंगी और क्या. एग्जैक्टली. मैंने भी घुमा के जड़ दिए 2-4 साले को. बड़ाया मिस्टर ग्रे. देख रुकू, I can understand your problem. Breakup के बाद ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. अबे अच्छा my foot. Boyfriend और जूतों में कोई फर्क नहीं है. आज पहना तो कल नहीं. रुको. हाँ. बात करके देख ले. अच्छा लगे तो आगे बढ़ना. मैं चलती हूँ. Bye. आप एक ऊर्जावान स्त्री हैं. आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगी. परंतु प्रेम का रस आपके जीवन में कम रहेगा. अर्थात आपका हीरो आएगा अवश्य, लेकिन लेके कुछ नहीं जाएगा. आप अपने जीवन में इस सुख से वंचित रह जाएंगी. Thank you.
जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, भानु जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री जय श्री राम। अब भानु जी जय श्री, हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कल मिल सकते हो? हाँ, कहाँ, किधर? कोई एलोन सी जगह बताओ। एलोन? एलोन मतलब जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। कोई आता जाता ना हो। हमारे घर के पीछे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। इडियट, लाइब्रेरी में मिल। भानु जी, यार मुझे नहीं लगता तेरा ये लाइब्रेरी का आइडिया सेफ है। यहाँ बुला लेती, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? ये जगह सबसे सेफ है। यार रुको, मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, वो भी सीधा स्कूल के बाद। मैं भी तो पहली बार मिली थी अविनाश को स्कूल के बाद। मैं इतनी फास्ट नहीं हो सकती, तभी तो तू है। हाँ, hey. Excuse me. Hi. Hi. Please keep this a secret, okay? अब of course, yeah. अपने से जूनियर है, इसको डर नहीं लगता, लेकिन तू डर रही है। टॉयलेट इज नॉट सेफ। यार रुकू, मेरी माँ, मुझे एक बार मिलने तो दे उससे। एंड आई कांट डू एनीथिंग बिग विदाउट फॉलिंग इन लव विद हिम। हाय हाय, मेरी मैं कह रही थी ना, इस सेक्शन में कोई आता जाता नहीं है, इट्स वेरी वेरी सेफ। तो अभी 10 मिनट है ना? हाँ। अच्छा, तो मैं 4 लेन्स दूर खड़ी हूँ, okay. जैसे ही वो देखेगा मैं इशारा कर दूंगी। और सुन, आजकल के लड़के ना बहुत डरपोक होते हैं, तू थोड़े हिंट्स देना, थोड़ा फॉरवर्ड बनना, समझ गई ना? ओके, आई विल मैनेज। चल, ऑल द बेस्ट बेबी। चलिए हाय, माफ कीजिएगा, हम थोड़ा लेट हो गए ये फ्लावर के चक्कर में। नो थैंक्स, हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा फ्लावर लें, रेड या येलो, येलो या रेड। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। क्या खुशबू है। Nice watch. I really like the design. Thank you. It's really nice. I really like the क्या? कुछ नहीं जी, बस खाने का तकिया कलाम है। Means? Meaning, जब कबाब में हड्डी आ जाती है ना तो अच्छा, that way. जी, that way. मेरा ये छोटा सा स्टार टैटू कैसा लगा? See, recently बनवाया है। बाकी तो भाई आप समझदार हैं,
दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ भाई, टाइम के हिसाब से इंसान को बदल जाना चाहिए और तुम्हें भी मॉडर्न और लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन सिर्फ अपनी पसंद की सोचती है। तुम्हें क्या लगता है मैं मॉडर्न फादर नहीं हूँ? भाई मेरा तो ये कहना है कि लड़का गोरा चिट्टा है, पढ़ाई में भी ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके फादर की अपने शहर में सरकारी नौकरी है, आज नहीं तो कल उसकी भी लग जाएगी। अच्छा, फिर अपनी भानु को तो लड़का पसंद है ही। ओके, भाभी जी और तुम्हें मिलकर भानु से बात कर लेनी चाहिए। अरे एक ही बात को कितनी बार दोहराओगे तुम? अरे फोन रखो ना तुम इडियट। क्यों, क्या हुआ? भानु कॉलेज में किस करती हुई पकड़ी गई। व्हाट रापेश, अब बच्चे कॉलेज में किस नहीं करेंगे तो क्या कीर्तन में जाके करेंगे? How very Alice. यार ये बंदर पापा के साथ बैठा है, मॉम भी आने वाली है, मैं क्या जवाब दूंगी यार? अरे नन्नू, उसने तुझसे मदद मांगी, फिर बहाने से हिंदी सेक्शन में ले गया, फिर किताब लेने के बहाने तुझे किस करने लगा, और इससे पहले कि तू उसे खींच के थप्पड़ मारती टीचर ने आके जड़ दिया। बस तू जितना झूठ बोलेगी उतनी बड़ी बन जाएगी। मेरा कुछ तमान तुम्हारे पास पड़ा है, या तो रेंट चुका दो या तो तमान उठा दो। भाई वाह, क्या बात है, कमाल शायरी करते हो यार, कहीं से कोई अवार्ड शो अवार्ड क्यों नहीं जीत लेते? अवार्ड? अरे नहीं, इट्स पॉसिबल। ये वेटर यहाँ क्यों बैठा है? नहीं नहीं, ये तो दामाद जी हैं, भानुज बॉयफ्रेंड भाई। व्हाट? यस, नमस्ते जी। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सजेशन, आई लव यू। सॉरी मॉम, वो थोड़ा सा फोन पे बात कर रही थी। भानु, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुमने बताया नहीं कभी। अरे मधु, आप क्या लेंगे? लिसन, प्लीज जस्ट गो। हम तो आपको टोरी कहने आए थे, बट हाँ माफ कर दिया, प्लीज जस्ट गो, मेरी मम्मी पापा के सामने मुझे एम्बैरेस मत कर। अरे ऐसे कैसे बेटा, कहाँ जा रहे हो? खाना खा के जाना। नहीं पापा, उसको अभी डांस क्लास में जाना है, ही हैज टू लीव। अरे कद्दू जैसा, ये क्या डांस करेगा? राजीव प्लीज गो। टाटा अंकल। टाटा बेटा। टाटा आंटी। टाटा। वेरी गुड भाई, बड़ा ही सुशील बच्चा है। भानु यही राइट चॉइस है बेटा। अरे क्या राइट चॉइस है भानु, अगर तूने इस लड़के से शादी की ना तो मैं तेरी शादी में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मोटी? व्हाट डिड यू कॉल मी? मोटी? या फैट लेडी। भानु अगर तूने इस लड़के से शादी ना तो मैं तेरी शादी बिल्कुल नहीं आऊंगी। तूने अपनी लाइफ में ड्रामा क्यों सकती? 3 मिनट में मैं ऐसे कैसे कोई कर सकता है? तुम इसे एजुकेशन दे रही हो या गालियों का कोर्स करा रही हो? आजकल के जमाने में नेसेसरी है। अच्छी बात बताओ ना कुछ, लाइक रामचरितमानस। तुम्हारे इसी एटीट्यूड ने मेरी कितनी रातें बर्बाद की है ना, ओनली आई नो। भानु लिसन, नींद अच्छी आती है उसे पढ़ने से, तुम्हें क्या पता, इंसोमैनियक पर्सन। ओह शट अप, बीच में मत बोलो। भानु लिसन टू मी बेटा, यू हैव टू गेट अ गुड गाय, एटलीस्ट लड़का हीरोइक तो होना चाहिए, ट्रस्ट मी, ऐसे के बस में कुछ नहीं होता। मैं तुझे सैटरडे को फोन करूंगी, फिर बातें करेंगे आराम से। ओके। और तुम चाहे मैं शक्कर तो ठीक से डाल नहीं सकते, लाइफ में क्या करोगे? बाय बेटा, बाय। लव यू मॉम, बाय। लव यू, बाय बाय। यार असल में मैं शक्कर भूला नहीं था, खत्म हो गई है, कल लेकर आऊंगा। डैड, एक्सक्यूज मी डैड। नो प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज। हां रुकुल, बोल। तेरे लिए एक ऑफर है। क्या? वो मेरा लाइब्रेरी वाला सेंसेशन था ना? हाँ, तो उसका एक हैंडसम नोटोरियस फ्रेंड है, तुझे उसे मिलवाती हूँ। तू क्या कर रही है यार, अभी इस सदमे से तो बाहर आ जाने दे। क्यों, तो अभी तक बनी नहीं अंकल आंटी के सामने? यार बाय गॉड, मुझे तो झटका लग गया। बेटा एक झटके का दर्द ना दूसरा झटका ही दूर कर सकता है। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना, उसका नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, सुन के झटका खा जाएगी तू। तू तो ऐसे बिल्डअप दे रही है जैसे लड़का नहीं जेम्स बॉन्ड है। तू गेस भी नहीं कर सकती है। अरे तू तो क्या कोई भी गेस नहीं कर सकता है, अब बोलेगी भी। भाइयों और बहनों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपके सामने आ रहे हैं ऑर्बिट केबल्स के मालिक, दिलों के राजा, मशहूर गैम्बलर शर्तिया। Thank you.
टारगेट क्या है? अब ब्लू शर्ट में ऑफिस बॉय। कितने की? सौ पकड़ो मेरे। ये आखिरी 100 रुपए हैं। जय चेरा वाली माता। डाल। हाँ तो मैं भी डरता हूँ क्या? ये लो। जान इसकी बॉडी में है ना, उससे ज्यादा जान ये शर्ट जीतने में लगाता है। बेटा मैं नकली चीजों में डील ही नहीं करती, मैं तो असली फ्लिपकार्ट हूँ। यार मैं इससे बात कैसे करूंगी? अबे तू टेंशन मत ले, वो खुद ही बात कर लेगा तुझसे। अपना इंट्रोडक्शन दो। ये झंडा, ये पुंगी और मैं शर्तिया। ट्रिप पे चलेगी मेरे साथ? बहना जाऊं तेरा मैं किनारा चाहूं, थाम ले थाम ले तू मुझको, खुद को गवाना चाहूं, तुझ में समाना चाहूं, भर लेना बाहों में मुझको। तेरी ऐसी बहना जाऊं तेरा मैं किनारा चाहूं, थाम ले तू मुझको, खुद को गवाना चाहूं, तुझ में समाना चाहूं, भर लेना बाहों में मुझको। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या? कि तुम कितने अच्छे हो ना, आई मीन दूसरों की कितनी हेल्प करते हो, कभी सिगरेट नहीं पीते ना, लड़कियों के पीछे भागते हो। सच कहूँ तो तुम एकदम राम हो। राम? ये राम का नाम मतलब बस, उससे पुराने दुश्मनी में समझी। अरे डम्बो, मेरा मतलब है कि तुम ये सब शर्त वर्त लगाना छोड़ क्यों नहीं देते? एड़ी, गुब्बारे से हवा, मोबाइल से सिम, थम्सअप से गैस और शर्तिया से शर्त निकल गई ना, तो कुछ बचेगा नहीं मुझमें। हाँ हाँ, बत्तीसी
सही जा रही हो मैडम, सही जा रही हो। चल अब मेरे छत का वक्त हो गया, आज उड़ते कहवे की बीट को कैच करना है, और तू जानते हो उसमें मुझे कोई बीट तो कर नहीं सकता। चलेगी? नहीं नहीं, मुझे घर पहुंचना है और मेरे पापा भी इंतजार कर रहे होंगे मेरा। पापा तेरे? चल बाय बाय। पता है तू मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि तेरी ये पीछे वाली दो और आगे वाली दो, इस पूरे चौके से ना तू सिर्फ और सिर्फ मुझे देखती है। चश्मेश स्पाइस के बिना लाइफ बोरिंग हो जाती है, क्या ख्याल है विजय? मेरा तो मुंह ही जल जाता है स्पाइस के नाम से। मैं ये टाई ठीक कर दूं। ओह थैंक यू मून। हेलो मून आंटी। आ गया मेरा बेटा। हेलो बेटा, हम बस फेयरवेल पार्टी के लिए निकल ही रहे थे। भानु तू मून आंटी से बात कर, मैं अपना ब्लेजर लेकर आता हूं। आपने मुझे बोला होगा ना आंटी? मनीमन? क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी मॉम से मिलकर आई हूं तो कुछ फ्रेज याद आ गया। How's your mom? She's good. Exercise कर रही थी। काफी वेट लूज भी किया है। She's looking very. वेट तो मैं भी लूज कर लूँ। बस कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। अरे किसको मोटिवेशन चाहिए भाई? डैड कुछ नहीं, आंटी कह रही है she's looking very ugly and fat. पतले होने के लिए मोटिवेशन चाहिए। फिट तो है आप। अब क्या मिसेज यूनिवर्स बनेंगी? मिसेज यूनिवर्स का तो नहीं पता, पहले मिसेज तो बन जाऊ। हमें चलना चाहिए भानु। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। भानु बेटा मैं लेट हो जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लेना। ओके डैड, बी सेफ। अरे मेरा बच्चा, दरवाजा जरूर okay. आइए प्लीज प्लीज प्लीज। भानु बेटा दरवाजे का ध्यान रखना बेटा है। बाय डैड। बाय प्लीज। थैंक यू। माय प्लेजर। एक बार मैसेज भी नहीं कर सकता, बड़ा है रोमांटिक हीरो। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस ओह गॉड यस। फोन उठा रुकुल, फोन उठा, फोन उठा। हाँ बोल। कहाँ मर गई थी? अरे टॉयलेट में हूँ यार, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, साला कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, शर्तिया का मैसेज आया, पापा शादी में गए, 12 बजे से पहले नहीं आने वाले। ओहो, मतलब सुनहरा मौका। यस। अरे बुला ले साले को। बट सुन, थोड़ा फेमिनिन टाइप बिहेव करना, कुछ भी ज्यादा डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो लड़कों का इंटरेस्ट चला जाता है। यार तूने फिर जलेबी जैसी सलाह दे दी। अरे मेरी माँ उसे घर बुला ले, मुझे भरोसा है बाकी वो खुद ही कर लेगा। एक सेकेंड रुकुल, तूने कुछ किया तो नहीं ना उसके साथ? अरे पागल है क्या, तेरे वाले पे हाथ डालूंगी, भाभी है मेरी। अबे सिक्स सेंस भी कोई चीज होती है। अच्छा सुन, उसे बुलाने के लिए क्या बोलूं? अरे यार तू इतना भी नहीं कर सकती है ना, तो तू रहने ही दे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेट मी ट्राई। पर सुन, तू बीच बीच में मुझे हिंट देते रहना प्लीज। यार मेरा प्रेशर आ रहा है, तू अपना प्रेशर संभाल। चल बाय। ये मधु यहाँ क्या कर रही है? डांस कर रही है। ये भी जहाँ गाना सुनती है नाचने लग जाती है। पतली तो फिर भी नहीं होती। तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? आप चाहें तो हमें उंगलियों पर भी नचा सकती हैं। लेट्स गो।
कलावाज कौन है तेरे घर में? कलावाज नहीं, कलाकार। हाँ वही, बॉलीवुडिया। माय डैड। हाँ। एक्चुअली मैं भी काफी क्रिएटिव हूँ। अच्छा? तुम मेरी स्केचेस देखना पसंद करोगे? दिखा। ये जब ये स्कूल पेंटिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था मेरे डैडी, और ये जब मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स में फर्स्ट आई थी, और ये जब मैं डिबेट में फर्स्ट आई थी। फर्स्ट यार, ये बार बार तू कभी फेल नहीं हुई क्या? व्हाट? मजा नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, बाहर बैठूंगा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरा रूम पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा अच्छा है, पर मैं बाहर बैठूंगा। हो गया तेरा? क्या? कीर्तन। यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसे बेडरूम तक लेकर आई थी लेकिन वो बाहर हॉल में भाग गया। अरे थोड़ा नजदीक में जाओ, होल्ड हिज हैंड, और अगर बात ना बने तो अटैक कर दे साले पे। बच के जाएगा कहाँ? क्या कह रही है यार? विजय, ओह माय गॉड, विजय प्लीज, मेरे बाप ने दिए इस गाड़ी के पैसे, निकालो इससे, बाहर निकालो इसे। शी इज क्रेजी, प्लीज उसे कुचल दो, उसे कुचल दो। क्या बात कर रही हो, 302 लग जाएगी भाई, और ऊपर से दहेज का केस अलग। निकालो इसे बाहर, निकल। क्या कर, छोड़ो। मधु क्या कर रही हो? शट अप। तुम हमेशा अपने कॉलर खड़े क्यों रखते हो? किंग तो सिर्फ वही हो ना, और क्वीन? ऐसे आके क्या बना रही? प्राप चंडूस लगती है एक नंबर की। मींस मनुस? हाँ। डिक्शनरी लिखवा ले इसे। हाँ, क्रॉसवर्ड खेलने के लिए बुलाया था ना इसे। हाँ देख रही है, चल सेलिब्रेट करते हैं।
पिलाना चाहता है, मतलब तेरा कोई भी हिंट इस तक पहुंचा नहीं है। कहां देख रही है, चल सेलिब्रेट। हां अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, पहले सेलिब्रेट। पर ये जरूरी तो नहीं? बहुत जरूरी है, पहले सेलिब्रेट करूंगा। ओके एज यू विश। हां अभी बनो। ए तेरे पापा गए क्या? हाँ तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। पुट्ठे को भी अभी आना था। मेरे ऊपर दे दिया, पकड़ लूँ उधर से। भानु 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 कुछ मत पीना, खींचो मुझे, खींच ले रंजन। क्यों हुआ? कौन था? कोई नहीं, पड़ोस के बच्चे थे, कई बार ऐसा मजाक करते हैं। अच्छा चल सेलिब्रेट। व्हाई डोंट यू ड्रिंक इट फर्स्ट? वो इंग्लिश स्टाइल में लेडीज फर्स्ट ना। थोड़ा स्टाइल चेंज करते, दिस टाइम यू ड्रिंक इट फर्स्ट। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट चेंज करेगी अब तू? प्लीज मेरे लिए। तेरे लिए क्या, तेरे लिए क्या मतलब, तेरे लिए जहर पी लूं तेरे लिए? अब तू बोलेगी तो आग के कुएं में कूद जा, कूद जाऊं? इसमें आ गए? देख मैथमेटिक्स नहीं आता मुझको, तू पिएगी तो तू पिएगी बस। मुझे नहीं पीना है तो नहीं पीना है बस। देख सुन मेरी बात सुन, एक घूंट पी ले, लेना प्लीज एक घूंट। नो एक घूंट। नो आई डोंट वांट। एक घूंट पी ले, एक घूंट तो तू पी सकती है ना मेरे लिए, मेरी जान। अरे नो आई डोंट वांट टू। शट अप। मतलब चिल्लाएगी अब तू? अगर तूने इसमें से नहीं पिया ना एक घूंट, दोस्ती खत्म अपनी। नहीं चाहिए तेरी दोस्ती। अगर दो मिनट में तू यहां से नहीं गया ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस को बुलाएगी? अच्छा तो पुलिस से डराएगी तू? हाँ चारा खोली तेरी जैसी भद्दी चश्मे लड़की को ना अंधा डेट ना करे। आरती उतार मेरी, थैंक्स बोल हजार बार की चार दिन साथ में घुमाऊं तेरे। अब घूम बाजार में या बाल भी खेल के। हेड एंड शोल्डर की जुओ वाली मॉडल बनने चली लॉरियल। गेट लॉस्ट। कैटरीना हट। चाइला खाली पीली शर्ट धरवा दी मेरी। हट। मून आज का इतना अच्छा मौसम उसकी वजह से खराब हो गया ना। क्या आज की शाम तुम्हें भी रोमांटिक लगी? तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? ऑफ कोर्स। तुम कभी कभी पलके झुकाकर जब उठाती हो तो ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाहती हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो तो कहने से डर लगता है। अच्छा जी। जब मेरे लिए झगड़ रहे थे तब तो डर नहीं लगा। एक्चुअली मैं तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकता। अच्छा जी। कसम से। हाउ स्वीट। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया यार? रंग भरे भानु। ओ मेरी चांदनी भानु। भानु
ले तू यहाँ है, बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, पर इट्स ओके, इट्स अ नेचर्स कॉल, कभी भी आ सकती है। तू बार बार कहती थी ना कि पापा आप लाइफ की ब्राइटर साइड की तरफ नहीं देखते, तो आज मैंने जी भरकर ब्राइटर साइड की तरफ देखा। और भानु तुझे पता है उस ब्राइटर साइड में मुझे कौन मिला? मून आंटी। भानु मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया। आज मैं पीना चाहता हूं रे, आजा मेरे बाबू मोशाय, हम दोनों मिल के सेलिब्रेट करेंगे। तुझे टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, इस कार्यक्रम की अब कोई टाइम लिमिट तो होती नहीं है। एक्चुअली मैं मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पर लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। ओ थैंक यू भानु फॉर दिस, वाओ चांदनी। रैनो के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया आ, आ। मुझे लग रहा है तेरा ना बुरा सा मतलब शुरू हो गया, तू वो शर्त भी हार गया, ये भी हार गया, लड़की ने तो कुछ भी ही नहीं, अब ना कोई राम आएगा और तेरी तीर मार के चला जाएगा। अबे ओ ये राम का नाम मत ले, अबे क्या है बे? अबे मोटे एक्सप्लेन। नहीं पता ना भी भाई। चल चल अपनी साला फेस कर देख बे, तेरे को रावण लग रहा हूँ, रावण लग रहा हूँ तुझे मैं, हैं बेटा? दो शर्त हारा हूँ मैं जिंदगी नहीं आ रहा हूँ समझा, तीसरी शर्त आने दे, भरता हूँ तेरे मुंह में चेके सीमेंट समझा। तेरे भी बे असमत, तू भी ना। चल चल चल। अबे ये क्यों इतनी तेजी से आ रही है इधर? वही है, चलो बेटा चलो शाबाश। स्टॉप, मुझे तुम सबके सामने कुछ बात करनी है। हाँ? लुक एट मी, नजरें क्यों चुरा रहे हो? मुझे लगा तुम इंसान हो, फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर। आई नो आई एम इजी टू गेट कन्विंस्ड, हाँ मैं कन्विंस्ड हो गई कि मुझे तुम जैसा हैंडसम और हीरोइक लड़का कभी नहीं मिल सकता, लेकिन तुम हीरोइक नहीं कायर हो, कायर। ये आईआईटी के क्वेश्चन पेपर के जैसा सवाल क्यों कर रही हो? किसी का मर्डर वर्डर थोड़ी ना किया। हाँ हाँ, तुम्हारी बॉटल पीने की वजह से आज मेरे पापा आईसीयू में हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो तुम पे एक नहीं दो दो मर्डर का इंजाम लगता। और हाँ एक और बात, कभी अपनी भद्दी हरकत लोगों को बताकर देखना, फिर मैं शर्त लगाती हूँ कि लोग तुम्हारी इस भद्दी शक्ल पे ना थूकना भी पसंद नहीं करेंगे।
होंगी तो बेहतर होगा, इनके हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? हाँ, बाकी की रिपोर्ट सब नॉर्मल है, शाम तक इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओके, गुड लक। पता नहीं क्या लगाकर घूमती अपने होठों पर, विश कन्या कहेगी। क्या बड़बड़ कर रहे हो मॉम? मेरी बात मान तू भानु, ये बंगाली लोग ना ब्लैक मैजिक काला जादू करते हैं लोगों को अपने वश में करने के लिए। तेरे पापा पर इसने यही किया है। मॉम आप कैसे मान सकते हो इन सब बातों को? मैं तो किस बात को मानूं कि एडवेंचरस होने के चक्कर में तेरे पापा देसी ठर्रा पी गए, ये विश्वास करूं? मॉम आप टॉपिक क्यों नहीं चेंज कर देते? दिस इज सीरियस, ओके? तेरी मम्मी आंटी ने भी ये करवाया था अपने घर में, अपनी सास को मरवाने के लिए उसे फोन करती हूँ, वो पता है कि मुझे क्या क्या करना है। प्लीज स्टॉप दिस रबिश। तू भी चिल्ला मुझ पर, तू भी चिल्ला। Nobody is with me. Mom, please. तू मुझे देख, मैं अब नहीं लगती क्या? Don't I look nice anymore? आज सुबह जब मैं अस्पताल आई थी तो सारे डॉक्टर्स मेरे पीछे पीछे, हेलो मैम मेरे पीछे लगे हुए थे, लेकिन तेरे बाबा इसके पीछे लगे रहते। Mom, it's okay. It's not okay. Mom, तुझे पता है how alone I feel. सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ कैसे ठीक होगा? लाल लाल होठों पे पिया तेरा नाम है। अरे ये बहुत जरूरी है भैया, इसके बिना आज की कंप्लीट ना हो पाएगी। कैसी आवाज निकाल रहे हो, गए हो का? नहीं 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 नहीं, बस बस बस, हिलाना मत हिलाना मत। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। देखो दर्द का पता भी नहीं चला, काम हो गया। लिखो। हाँ बोलो। खून टे लिख रहे हैं, पानी ना टमजना। टेर लिख रहे हैं, कहानी ना टमजना। वाह 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 वाह। अब वाह वाह भी लिखवाएंगे आप? थोड़ा एप्रिटेटन हो जाता है। डैड अगर वो एक बार ट्राई करना चाहती है तो ट्राई करो ना, क्या पता दोनों की फायर फिर से वापस आ जाए। भानु ये जलाकर मारेगी, फिर मुझे बुझाते फिर ना तुम। आई एम नॉट दैट वायलेंट। वायलेंट? तुम्हें तो टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। देख रही है भानु? पापा जस्ट एक बार ट्राई करो ना। यार मैं नहीं रह सकता इसके साथ यहाँ पर, प्लीज। देयर इज सम प्रॉब्लम। अरे क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी तो बताओ। मुझे तुम डिजायरेबल नहीं लगती। व्हाट? यस। अपना ये मुंह एक बार बाहर बाजार में निकाल कर देखो, फिर पता चलेगा मैं कितनी डिजायरेबल हूँ। बड़बड़। हाई हील्स और रेड लिपस्टिक लगाकर जब मैं निकलती हूँ ना बाहर, तो लोग फायर ब्रिगेड का सायरन बजा बजा कर मुझे छेड़ते हैं, और तुम कह रहे हो कि मम्मी मेरे साथ रूम में सो जाएंगी। इट्स ओके? नो, मैं नहीं कर सकता। बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था। क्या बताया था डैड? भानु को छोड़ो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? फिर वही बात, तुम देखो फिर वहीं से छोड़ो। जानू जानू प्लीज हेल्प ना। अरे मून एक्सक्यूज मी। इसे फूटी कौड़ी मत देना, सीधा डिवोर्स दे देना। ये यहाँ रहने वापस आ गई है मून। क्या? हाँ मॉम, ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है। अगर आप मेरे रूम में रहोगे तो ये किसके रूम में रहेगी? पापा के बेडरूम में। अभी ठीक करती हूँ उसका स्कूल। ऐसा इस औरत को इस घर से बाहर निकालो। जादू करनी? But I don't do magic shows. But जादू तो कर लेती हैं आप। दोबारा मेरे घर पे कदम मत रखना। जा अपने लवर के साथ रहे, मैं भी देखता हूँ कितने दिन तक रखता है तेरे को वो। चल हट यहाँ से। पहले के तीन बॉयफ्रेंड भी तो छोड़ चुके तुझे। मुझे नहीं, कोई मुझे नहीं छोड़ता। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मम्मी पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा आई विल हैंडल दिस, यू गो। मून 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 के साथ रहेंगे अभी का है ना। हेलो अबे एडी, आई एम प्रेग्नेंट। शिट शिट शिट, मैं तो मैं हूँ। देख तू जल्दी आ जा, हमें गोवा जाना पड़ेगा मेरी सिस्टर के पास। यार मैं नहीं आ सकती, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। यहाँ मेरी लाइफ में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है और तू सेल्फिश बन रही है। देख मैं तेरे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गई ना? शिट स्टॉप इट। अच्छे खासे घर को आप तीनों ने जंगल बना के रख दिया है। आप तीनों में से जिसको भी यहाँ पे रहना है रहो, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। आई एम गोइंग। भानु भानु प्लीज। जानू भानु भानु आई एम ओके बेटा।
हनुमान जी अब तो रक्तदान भी कर दिए हैं, अब तो प्रेम का टागर पार करवा दो। अरे वाह भैया, हनुमान जी ने आपकी सुन ली। वो देखो भाभी आ गई। भाभी भाभी रुकिए भाभी, भैया आजा आजा भैया आजा। क्या कर रहे, देरी क्यों? भाभी मानो जी, डोंट किल, डॉट है। राजीव ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ जी हाँ जी, ही इज नॉट गुंडा, ही इज वेरी गुड मुंडा। वो एक्चुअली मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। ट्योर ट्योर, उस रात को तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो राजीव, बहुत क्यूट हो। दिखाओ दिखाओ ना, भैया जी खून पसीना एक करके आपके लिए कुछ लिखे हैं। दिखाओ दिखाओ भाभी, पेट में बच्चा बड़ा हो जाएगा तब आएगी तू। भाभी और बस भी निकल गई तेरी वजह से। एक मिनट रुक, बात कर रही हूँ। अबे मैं टैक्सी के पैसे भरूँ या अबॉर्शन के? अबे तुम छोड़ो यार, मैं टैक्सी का इंतजाम करती हूँ, तू प्लीज चिंता मत कर, प्लीज परेशान मत हो। हाँ हाँ, मैं आपको छोड़ दे। तुम्हारे पास कार है? येट मुझे नहीं लगता तुझे माफ भी करेगी वो। अबे ओ सांड, कोई ट्रिक निकाल फिर, ये माफ आफ नहीं करेगी, ऐसा सब मत बोल। एक ट्रिक है भाई। तो ऐसा है कि लड़की को ना कॉलेज में ही पकड़ना पड़ेगा। हाँ क्योंकि फेसबुक तो यूज करती नहीं वो, और ना ट्विटर चलाती है। हाँ तो फिर फॉलो करेगा कैसे ये? भाई बानू, ये अंदर तो वही है जिसने हमारी शर्ट बिगाड़ी थी बानू का करके बाहर। अबे इस छंडू के साथ क्या कर रही है? हम कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं इसलिए तुम्हारे कान बंद कर रहे हैं। ओके ओह गलत टॉक, डालिए डालिए। ये चंपू को कुछ पता तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स नॉट यार। फाइन हानिल सुन, उस दिन कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे मतलब यू डिडंट स्लिप ना? नो यार, हो ही नहीं सकता, तुमको तो पता है ना आई ऑलवेज टेक प्रिकॉशंस। अच्छा मिलना कब है? नंबर टू हेलो। हाँ श्रेय, उस दिन टॉयलेट में यू यूज प्रोटेक्शन ना? ऑफ कोर्स यार, तुझे पता तो है कि मैं पूरा लॉट एक साथ खरीदता हूँ, मैं सोने का कोई चांस ही नहीं है। और पता, तीन दिन से कहाँ गायब है? ये भी नहीं है, अब क्या करेंगे यार? तेरी कुक ते निकला लाल ओ देवी, कर देगा कमाल ओ देवी, एक तू ही धनवान ओ देवी, बाकी डब गंगा ओ देवी। अबे तू चुप करेगा, शायरी की दुकान। बाकी डब गंगा ओ देवी। आप प्लीज चुप रहेंगे कुछ टाइम? ना कुछ तुन टकते हैं, ना कुछ गा टकते हैं, हम तो मम्मी बन गए हैं। अबे चुप। अरे यार माँ, मम्मी, मदर, माता जैसा शब्द निकाला ना, कसम से यही दफना दूंगी तेरे को। हम तो मम्मी रिटर्न वाला मम्मी बोले थे। अबे चुप, साला बंद कर इसको। ठीक मैं बार बार भानु को फोन लगा रही हूँ, पिकअप क्यों नहीं कर रही? Getting worried. और तुम्हें बेमतलब की मगरमच्छ क्यों बन रही हो? ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, I'm really sad. बेटी मेरी गई है। तुम ना आती ना तो वो मम्मी मुझे ही बुलाती। वो मर भी जाएगी ना तो मम्मी तुम्हें कभी नहीं बुलाएगी। जानो देख रहे हो ना कैसी माँ है ये, भानु को मार देना चाहती है। अच्छा हुआ जो आपने छोड़ दिया। ये तो मेरे ही घर में बैठकर क्या बकवास किया जा रही हो? ये घर दहेज में नहीं लाई है, मेरे बाप ने पैसे दिए थे तब जाकर बना था ये घर। प्लीज लड़ना बंद करो आप दोनों, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। अरे तुम क्या रास्ता निकालोगे, इसे तो निकाल नहीं सकते यहाँ से। रास्ता निकालोगे? अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता? सही कहा तुमने, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। 1.6 मिनट्स, वो भी इतने प्रेशर में। My genius. It's okay. What? इतना क्या सोच रहा है भाई? यही सोच रहा हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से वो लड़की भी तो अस्पताल जा सकती थी। भाई गई तो थी अपने पापा के साथ। अबे अबे ओ, दिमाग को हवा दे बे अपनी, बुझ गया है कैसा लगे हैं? नहीं मैं समझाता हूँ भाई, देख ऐसा है कि अच्छी लगने लगी है वो, ठीक है? रामू का सौतेली औलाद,
जब तुम लोगों का बाप जाएगा ना अस्पताल, तब जाके तुमको पता चलेगा। माँ कसम, मैं तो उसी दिन की वेट कर रहा हूँ। मेरा बाप भाई घी लगा के रोटी तक नहीं खाने देता मुझे। कितना पहले कमा के ला और खा, ये बोलता है। ये ना फैमिली ड्रामा बीच में मत घुसेड़ बे। आनु से माफी मांगने का तरीका ढूंढ, बस यही बोल रहा हूँ तुझे मैं, समझा? देख भाई, जैसा वो साइलेंट वाला थप्पड़ मार के गई है ना तेरे मुंह पे, मुझे नहीं लगता वो इसे माफ करेगी। मुझे तो खुद नहीं लगता। लगी शर्त ये ले। हाँ ये ले, पहला मेरा 500, मेरा झंडा 500 रुपए की बात है यार। डालना भाई, लोकेशन मिल गई, वो दोनों लड़की गोवा में है। आ गई तू? Hi, भानु! Oh, I missed you so much. My God, I'm so happy to see you. Come on in, guys. भानु राजी, राजी हनुमान जी, भानु जी राजी, राजी हनुमान जी, हनुमान जी राजी, भानु जी राजी, मैं भी राजी, हम सब राजी। तो बच्चे के बाप का पता चला? पता चल जाता तो सबसे पहले उसकी हड्डियां तोड़ने जाती, फिर यहां आती। अब सारी सेविंग्स इस अबॉर्शन में घुस जाएगी। डोंट वरी, हॉस्पिटल में मेरी अच्छी सेटिंग है, एवरीथिंग विल बी सेट। भाग गई, भगा ले गया या किडनैप हो गई? सर आई एम श्योर वो उसे बहला फुसला कर ले गया। लेकिन आपके ये तो कह रहे हैं कि वो लड़का आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड है? अरे ये ओके ओके, आई मीन इन्हें कुछ नहीं पता सर, वो लड़का ट्रायल बेसिस पर था। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेवकूफ लगता हूँ? इंस्पेक्टर साहब जरा आप बताइए, मैं बेवकूफ लगता हूँ? अब मैं कैसे बताऊँ, कोई जरूरत नहीं इंसान वैसे ही हो जैसा दिखता है। भाई वाह, सी इज जजमेंट। इंस्पेक्टर साहब वो दोनों जस्ट घूमने ही गए। नाउ यू विल ट्रस्ट मी, वन सेकेंड, आई विल शो यू समथिंग। सी 1.5 मिनट्स एंड 10 गलतियां, यू सी 1.4 मिनट्स और 10 गलतियां। ओह माय गॉड, व्हाट अ जीनियस। थैंक यू। ये फॉर्म भर दीजिए, यहाँ बच्चे के फादर के सिग्नेचर और यहाँ आपके। अब एक सेकंड डॉक्टर, कानून के हिसाब से अबॉर्शन के लिए बच्चे के बाप का सिग्नेचर जरूरी नहीं होता। अच्छा मैडम, अब आप सिखाएंगे मुझे कानून? यहाँ कानून भी हमारा है और सरकार भी हमारी है, और ये बच्चा अकेले आपका तो नहीं है ना, इस पर किसी और का भी हक है। फादर मिल जाए तो मुझे बता देना। जय श्री राम। क्या बोल रही है यार? I'm so sorry. क्या? राजू, ये सब क्या है? अरे मैडम, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, सारे डॉक्टर बदल गए हैं। अभी आप कहीं भी चले जाओ, रिश्वत से भी कुछ नहीं होने वाला। अरे यार, एक तो बच्चा पेट में बड़ा हो रहा है, मैं बाप कहाँ से लाऊंगी? यार I'm so sorry, जिसके भी sometime मैं कुछ सोचती हूँ। ये लड़कों को साला मैं ही मिली थी प्रैंक करने के लिए, पता नहीं कौन प्रैंक कर गया। आइडिया, राजीव से रिक्वेस्ट करके देखे, मुंह देखा है उसका, ऐसा लगता है जैसे टॉयलेट की घिसी हुई चप्पल हो। He can't be the father. How selfish, रुकुल, एक टाइम पे तू उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, तब नहीं सोचा तूने ये सब? यार अकाल तेरी लाइफ में पड़ा है, यौद। अच्छा, पर अब तो केस उलट गया ना, यू आर प्रेग्नेंट, आई एम नॉट। आर यू बोथ मैड? ये कोई टाइम है झगड़ा करने का? एंड राजीव इज अ वेरी बैड ऑप्शन, तुम्हारे सारे कॉलेज के लोगों को जानता है वो, सबको पता लग जाएगा कि रुकुल प्रेग्नेंट है। स्टूपिड। मैं लेफ्ट या राइट बोल रहा है? लेफ्ट पे चिपक मत, दिखा रहा है।
ये जो आपका ट्रैकिंग सिस्टम फोन सही ट्रैक कर लेता है ना? नहीं मतलब सरकारी है इसलिए पूछ रही हूँ। मैडम इतने से पैसे के लिए मैं आपके साथ गोवा जा रहा हूँ और वो भी अपनी गाड़ी में, यहाँ रहता तो डबल कमाता। अरे क्यों चाहिए तुझे बाप यार, पर तू क्यों मारना चाहती है उसे? अरे उसने तो इस दुनिया की एक झलक भी नहीं देखी है। और सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी सोनाली हम 10 साल से दोस्त हैं और तेरे तो मॉम डैड भी नहीं है इस दुनिया में, और तुम दोनों को कब से सोसाइटी की परवाह होने लगी? इतना डर सोसाइटी का? तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट अ चाइल्ड बेबी, इट्स अ गिफ्ट। नन्ही सी जान है यार वो, और तुझे उसकी पेरेंटिंग के लिए ना किसी फादर की जरूरत नहीं है, तू ये अकेले खुद कर सकती है। लुक एट मी, मुझे देख, आई एम ऑल्सो अ सिंगल फादर। हाँ मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले एक छोटा सा बच्चा अडॉप्ट किया है। यार जब मैं कर सकता हूँ, व्हाई कांट यू बी अ सिंगल मॉम? यार इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट, यू शुड चेरिश इट। वाओ ओके गाइस, क्लोज दिस टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू द पार्टी। बट आइसक्रीम? चलना, तुझे आइसक्रीम से कूल जगह लेके चलता हूँ। चल चल आइसक्रीम। भानुजी, भानुजी भानु, फॉर कपल्स। नॉट अलाउड सर। यू यही मौका है बेटा, यही मौका है बेटा, यही मौका। चार्ज भानु, चार्ज। अरे जाना यहाँ से, चल निकल। बोला ना निकल यहाँ से।
शिकार मिल गया भानु, मौका भी है, दस्तूर भी है, तू भी है और लंगूर भी है। चार्ज भानु चार्ज। चवारा साले यहाँ खड़ा होकर yes, he is the man, यही है। पता लड़की का, पता लड़की का। तेरे जैसे भी अब लड़की बताने लगे। जय श्री राम। आप बताते क्यों नहीं भाई साहब? पता लड़की का, पता लड़की कहाँ है? पता? भानु। भानु मार मार के हनुमान मला के पाले वो। भानु भानु क्या मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा था ना लड़की दिलवा दूंगा। अच्छा जी, दिलवा दी। माय बेबी, मेरी नॉट टू डू दिस अगेन। जो करना है करो बच्चा, बट ऐसे नहीं, प्लीज समझे। क्या प्रोग्राम था इस लड़की के साथ? नहीं, भाई मुंह तो उठा ले, मधुमक्खी थोड़ी काट जाएगी अगर मुंह उठा लेगा तो। अबे दुल्हन थोड़ी ना जो घूंघटी नहीं उठाएगी। और तेरा तो बाप भी कहता है सर उठा के जियो, है ना यार? इतना तो हम स्कूल में भी ना रोए थे जब मास्टर जी ने हमारा सीतर मुर्ग बना रखा था। इतना तो गुंगा भी चुप नहीं रहता यार। बोलेगा मेरे भाई कुछ? अरे बोल दे भाई, कुछ तो बोल दे। प्यार हो गया यार। गया भाई, गया गया। लकी स्किन। दूसरी मंगा लेता हूँ। अबे मुंह देखा है मेरा, हाँ ऐसे चमकता है कि कोहिनूर में भी तरेद आ जाए। लड़कों की क्या औकात है इसके सामने। हा? वैसे भी तू बता आदमी करता क्या है? हाँ पेट में बच्चा डालता है, कानों में दो गाली और रात को भिखारी की तरह आता है रोटी मांगने। पर यार एटलीस्ट नेचर की साइकिल तो कंप्लीट होती है ना। अरे रिवर्स साइकिल बोल, रिवर्स साइकिल। कोयले से हीरा बनता है राइट, हीरे जैसी लड़की शादी करके ले जाता है और एक साल के अंदर वापस कोयला बना देता है। ना, मैंने तो डिसाइड कर लिया है मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। मैं ये बच्चा रख रही हूं और क्यों ना रखूं भाई, हाँ पढ़ी लिखी हूं, कमा सकती हूं, आई कैन बी अ सिंगल मदर एंड इट्स माय ब्लडी डिसीजन। आप प्रेग्नेंट हो? हाँ हूं। तो अब तू भी पूछेगी बाप का नाम क्या है? बाप का नाम है रुकुल प्रीत सिंह। मैं बता रही हूं भानु, मैं ना इस बच्चे की ऐसी परवरिश करूंगी कि बाप का नाम कभी कोई पूछेगा नहीं लाइफ। बच्चा देख भानु, शादी इज द वर्स्ट ऑप्शन। अरे शादी से बच्चों और टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बच्चा तो वैसे भी मिल रहा है और अगर तुझे टेंशन चाहिए ना तो कोई गंदी बीमारी वाला कुत्ता पाल ले बस। भानु
भानु ट्रस्ट मी वी विल हैव फन यार हम साथ में रहेंगे सिंगल हैप्पी फ्री तू ये शादीवादी के चक्कर में मत पड़ मैम हाँ क्या आपका पैक सूख गया है अच्छा अच्छा चल रखती हूँ और सुन मैं ना शिट शिट इज मैरिड चल बाय बाय सी यू बाय क्या खाओगी इनफैक्ट क्या पियोगी नहीं क्या पियोगी लेमन सोडा भानु पनीर टिक्का बेटा ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि मेरी कितनी पार्टी मिस करवा दी तूने मां मेरी लाइफ का सवाल है लाइफ का सवाल है बेटा तू एमबीए करना चाहती है लाइफ का सिर्फ एक ही सवाल नहीं होता मॉम प्लीज मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया मैंने रेस्टोरेंट में इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों झगड़ा ना करें बेटा एज यूजुअल मैं तो चुप ही रहता हूँ यू नो दैट यही है जो एक अपना धारा परवाह आप और चुप चुप क्यों क्या मतलब तुम्हें पता है स्कूल में सब लड़के मुझे चुप्पू चुप्पू बुलाते थे ओए चुप्पू चुप्पू ओए और मैं इतना चुप रहता था मैडम कि एक बार तो टीचर को मेरे मुंह पे डंडा मारकर मेरा मुंह खोलना पड़ा था प्लीज नहीं बेटा मुझे सलीम बनने में ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जय श्री राम भानु देख रही है ना ये आदमी बात को कहां से कहां ले जाता है तो व्हाट हैपेंड क्या हो गया अब मेरी बातों की उड़ान ही इतनी ऊंची है कि वो कहीं भी जा सकती है मैडम बाय द वे व्हाट इज योर प्रॉब्लम ये इंसान आज भी इसी पे अटका हुआ है नॉट टू डू दिस इट्स रिक्वायर्ड बाय आप लोगों को मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है भी कि नहीं बेटा मैं किस मोड़ से गुजर रही हूँ कुछ पता भी है आप लोगों को व्हाट हैपेंड आपको अपना रिकॉर्ड बनाने से फुर्सत नहीं है और मम्मी आपको अपनी जिंदगी जीने से फुर्सत नहीं है कभी सोचा है मेरे बारे में पापा को भी लव लाइफ नसीब हो गई थोड़े टाइम के लिए सही पर मेरा क्या मैं शादी करना चाहती हूँ शादी इट्स माय फाइनल डिसीजन आपको पता है एस्ट्रोलॉजर तो मैं भी बन सकता था इनफैक्ट मैं पढ़ने में इतना अच्छा था कि सबसे आगे निकल गया ऐसे कामों की जरूरत ही नहीं पड़ी देखिए मैं आपसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ लड़का तो जैसा मैंने आपको बता दिया पंडित जी वैसा ही होना चाहिए बेसिकली जिसमें कल्चर नहीं होता है ना वो तो वल्चर होता है लेकिन कुंडली में जो योग है उसका क्या क्या योग है देखिए आपकी बेटी की कुंडली में त्रुटि योग है क्या योग है अर्थात आपकी बेटी भानुप्रिया प्रेम की सुख की अनुभूति से सदैव वंचित रहेगी इसका अपने प्रेमी के साथ कभी मिलन नहीं हो पाएगा हिंदी की पावर दिखा रहे हैं क्या आप जस्ट बेटा देखिए अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसकी कुंडली में भी सेम ऐसे ही योग हो तभी मधुरता संभव है वरना फिर भूल जाइए आप देखिए ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जो योग बन रहे हैं उनके अरे पंडित जी योग वोग मेरी समझ के बाहर है लड़का मैंने आपको बता दिया है अब जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं होगा ना फिर आप देख लेना आपके नाम से वेदांत वेदांत अलग और जोशी अलग कुंडली में जो त्रुटि है उसको तो जानना जरूरी पंडित जी ये तो साइड नोट पे भी आपका नाम लिख के जा रहा था पंडित जी बड़े मुश्किल से रोका है इसे पंडित जी मामला प्यार क्या करिए कुछ तो तुम लोगों को कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता है अरे पंडित जी आपको कुंडली के बारे में नहीं पता ये देखिए पंडित जी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही पंडित जी को आ रही है हवा आ रही है कुछ नहीं बोलेंगे मुट्ठी बंद बस मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक बार लड़का देख लो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी अरे लड़का नहीं हीरा है हीरा लेकिन पंडित जी मेरे हिसाब से अगर भानु के पापा और मैं लड़के को अलग अलग देखें तो बेहतर होगा बट मम्मी पापा के बगैर ये सब कैसे हो पाएगा अच्छा हुआ भानु तूने टोका भानु भी इस बात को समझती है कि मेरे बगैर तुम लड़के की इंटेलिजेंस चेक नहीं कर पाओगी और रहने दो तुम और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो अच्छा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ पापा प्लीज बेटा एक सेकंड बताने तो दे सॉरी पापा सर आप इन दोनों को मिलवा दीजिए और अगर ये हाँ बोलते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है
ऐसे कैसे प्रॉब्लम नहीं है? एक तो तू शादी कर रही है, वो भी बिना जान पहचान के। तुझे तो पता है ना यार मेरी किस्मत, अब जो भी हो रहा है होने दे। और वैसे भी मम्मी ने तो पसंद किया है ना उसको। तेरी मम्मी को तो तेरा बाप भी पसंद आया था। रुकुल सॉरी यार, मुझे चिंता हो रही है तेरी। अरे क्या नुकसान होगा अगर एक बार मिल लेगी तो? सॉरी कि मैं इतनी ज्यादा अर्जेंसी में यहाँ पर आ गई, बट शादी से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती थी। आई एम सरप्राइज्ड कि हम शादी से पहले एक बार मिले भी नहीं, और बिना एक दूसरे से मिले हम शादी कर रहे हैं। आई डोंट नो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, बट मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि चाहे मैं इस जिंदगी में किसी को भी जानूं, बट जोड़ियां जो हैं ऊपर आसमान पर ही बनती हैं। मैं ये भी कन्फेस करना चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में पहले लड़के नहीं हो। क्या कह रही? आई ऑलरेडी हैड अ बॉयफ्रेंड, और उससे मुझे काफी गहरा प्यार भी हो गया था शायद, लेकिन उसकी शर्त के सामने मेरा प्यार हार गया। मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि मैं कभी उसको भुला पाऊंगी, हाँ लेकिन ये प्रॉमिस जरूर करती हूँ कि आई विल फॉरएवर बी योर लॉयल वाइफ। अभिमन्यु जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये क्या मजाक है? मैं ही अभिमन्यु हूँ। शर्तिया डोंट प्ले विद माय लाइफ। मैं ही अभिमन्यु हूँ। यू मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। देख ले फिर तू ही हाथ छोड़ने की बात कर रही है अपने प्यार का। क्या बोल रही थी तू कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं? तो हमारी कुंडलियां भी तो ऐसे नहीं मिली होंगी ना। और फिर शर्त लगाकर ये सब डायलॉग मार रहे हो? घुमा फिरा के नहीं बोल रहा हूं, सीधा सीधा बोल रहा हूं, आई लव यू। तुम्हारी आई लव यू की कोई गारंटी नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। गारंटी तो लाइफ की भी नहीं है ना, पर एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, सुबह सुबह तुझे एक स्माइल देने की और तुझसे एक स्माइल लेने की। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है, यारा मैं क्या करूं? I'm sorry. तो जा रही हैं, आठ माते तो हमारी हैं। तीन तीन तीन
चर्चे मुझे देख के सारे ललचे इंग्लिश वाले स्टेप दिखा के मूड बना दो सबका जब मारे बेबी जब मारे बेबी जब मारे बेबी बीट पे ठुमका जा रहा है पता नहीं कहाँ चला गया है अरे यही कहीं होगा अपने फ्रेंड्स के साथ मैं बुलाती हूँ मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ आप रुको आओ ठीक है मैं अभी आती हूँ रुको अच्छा ओके ओके चल हम चलते हैं अच्छी तो लग रही हूँ ना अब तो तेरा अखंड व्रत टूटने वाला है प्यार भी हो गया शादी भी हो रही है यार तुम तो अब भी कमाल का नाचती हो अब तक जो भी सिखाया सब भूल गई तू भी भानु अभी मनी को देखा है क्या नहीं ये लड़का भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो गया है अरे वो फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है और ये चल कोई बात नहीं मैं ढूंढती हूँ उसे शर्तिया शर्त कभी आ रहा है क्या वो ओहो मतलब है बड़ा कुत्ती चीज वैसे ही है पहले भानु से तिगड़म लड़ा के माफी मंगवाई भानु ने माफ भी कर दिया साला बस शादी तक ले आया पक्का रावण की औलाद है भाई कितना भी लेकिन प्यार तो करता है यार मुझे लगता है वो भाग गया है अभी ठीक है यार रो मत कुछ करेंगे ना यजमान मुहूर्त बीता जा रहा है तब तक कन्या को बुला लीजिए विधि आगे बढ़ाई जाए यजमान आप ध्यान नहीं दे रहे हैं यजमान भानु को बुला के लाओ यजमान भानु को बुला के लाओ What happened? क्या हुआ? भानु को बुला के ला। Okay, okay, okay. Please, you do take care of this. Please. जय श्री राम। हम तो दोस्त थे कि धरती पे देवता नहीं होते, लेकिन आप तो देवता निकली। चुप। शेरवानी कहाँ से लाएगा? तेरवानी। हम इंतजाम कर लेंगे देवी। ठीक है, मैं बाकी देख लूँगी। अरे भानु, बेटा तू पीछे क्यों बैठी है? चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चलो बेटा मेरा बच्चा फिर वही बात
ये तो बाद वाला सीन है ना बेटा, तू अभी से क्यों कर रही है? चल मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। नहीं पापा। बेटा सब गड़बड़ हो जाएगा, कम कम, आई विल नॉट लिसन। टाइमिंग है बेटा मुहूर्त की। हम टपको इम्प्रेस कर पाएंगे ना? बिल्कुल कर पाएंगे। अरे आपके साथ आपका प्यार है और भगवान, अब ना रुक पाओगे भैया, अब तो बस धमाका होगा। बेटी को तो जाना ही होता है। चलो और फिर तू कौन सा दूर जा रही है, मैं मिलने आता रहूंगा ना तुझसे। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ बेटी स्थान ग्रहण करो, देख बैठ जाओ। आ गई तू, जोर की लगी थी, लोगों ने हल्ला मचा दिया यहाँ पे। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही है? लग रहा है क्या कर रही है? शुरू कीजिए पंडित जी। गुस्से में क्यों लग रही है? मारना है तो मार ले। वर वधू वर माला के लिए खड़े हो जाइए। पगड़ी में घूमेगा तो कभी नहीं होगी। आजा, बड़े मस्त लग रही है तो लीजिए बेटा, आप भी लीजिए। ले पकड़। पहले कन्या वरमाला पहनाएगी। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ गौरी नारायण नमस्ते। गिरजाए विघ्नहे शिव प्रियाए धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तदेव लग्न सुकृतं तदेव तारावलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दयाबलं तदेव लक्ष्मीदेवी स्मरामि। अरे भैया तुम कहाँ पुताई कर रहे हो, चलो जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो, भाभी गई। हट हट जा। प्रियपति गंगवामहे निधीनांत्वा निधिपति गंगवामहे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। अब तीन फेरे में वधू आगे रहेगी और वर पीछे। आओ बेटा। ओम तुभ्यमाग्रे पर्यवहन्तु सूर्या वहतु नाशः पुनः पतिभ्यो जायं द्याग्ने प्रजायसः। ओम लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिः चंद्रमा रेणुकां दुधा सुरेश्वर गजो ब्रह्माणि देवांगन अश्व सप्तम यार इसकी बेडरूम की लाइट बंद हो जाए तो मैं सो जाऊं। दी क्या किधर कहां देख रही हो? कब से देख रही हो, ये मोटा बड़ा घूरते जा रहा है। अच्छा अरे दी अभी क्लाइमैक्स करती हूँ ना। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं। हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। नॉक नॉक। कौन है? तेरा आयरन मैन। चेहरा तो देख लूं मैडम का। आंखें तो दिखा दो।
एक मिनट, एक मिनट आता हूं मैं, एक मिनट में आया मैं। हो गया तेरा यार, वो तो वॉशरूम चला गया। ज्यादा बियर तो नहीं पिला दी? हो जाएगा, जस्ट चिल। ओके। अभिमन्यु? हाँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। देके हमसे कुंडली तो बनवा ली है, हाँ, लेकिन आपकी असली कुंडली भी हमारे पास है। इसके अनुसार देखिए, आप बुरा मत मानिए, आप सुहागरात बनाने से पहले अगर किसी डॉक्टर की सलाह ले ले तो अच्छा है। आतंक मचा दे रहे बाबा, बस चिड़िया उड़, कबूतर उड़, हाथी उड़, आज तू भी उड़ेगा। को छोड़ दे तू, आवे ना अकड़वे, आके नजदीक मेरा।